देखिए बहुत सारा कारण है, ऐसा नहीं बोल सकते कि लक्ष्मी भंडार के लिए हम लोग हारे हैं, क्योंकि आज जितना महिला को लक्ष्मी भंडार मिलती है बंगाल में, उतना महिला ममता बनर्जी को वोट नहीं दिए हैं। तो ये तो साफ बात है कि लक्ष्मी भंडार के लिए उनको वोट नहीं मिला है। इनफैक्ट महिला मुख्यमंत्री महिला ममता बनर्जी से महिला हट जा रहे। लेकिन क्या दोष है, क्या कारण है, ये हम लोग को इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। शायद हम लोग पहुंच नहीं पाए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के जो योजना जो स्कीम्स उनको वो जो केंद्र सरकार दे रहा है, ये बात गांव गांव में महिला तक पुरुष तक हम लोग पहुंचा नहीं पाए। हम लोग साधारण आदमी तक रीच नहीं कर पाए। बहुत सारा कारण है, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है। आगामी विधानसभा वोट 26 में अगर अच्छा फल करना है और सरकार बनाना है तो हमारा जो खामियत है वो देखकर ही आगे जाना है। देखिए अब सैबोटाज हुआ ना क्या हुआ, ये तो पार्टी को देखना है। हमारा तरफ से जो रिपोर्ट है हम भेजेंगे दिल्ली। और दिलीपदा 3 बरस 2016 से एमएलए रहने के बाद उनको वोट मिला था 2019 में 6,85,000 3 साल काम करने के बाद। और हम 2 महीना मेदिनीपुर में थे, संगठन पूरा ही दिलीपदा का ही बना हुआ था, उसी में हम काम किए। और 2 महीना काम करने के बाद मुझे मिला 6,75,000। तो 10,000 के डिफरेंस में हमारा दिलीपदा और मेरे वोट के, तो ये हम नहीं बोल सकते कि मेदिनीपुर के लोग हमको वोट नहीं दिए। 2 महीना में मेदिनीपुर लोकसभा के लोग जितना हमको प्यार दिए, सम्मान दिए, भरोसा दिए, हमको नहीं मोदी जी को दिए, तो ये तो हम कृतज्ञ है। और इतना कम मार्जिन से जीतना, एक तो मुस्लिम वोट करीब 42,000 हमारा एक विधानसभा से मिला, और वो 42,000 को मेकअप जो दिलीपदार का टाइम में करते थे खड़गपुर सदर से, वो खड़गपुर सदर से उतना वोट आया नहीं है। दिलीपदार जीते थे 45,000 से, हमारा लीड था 22,000। तो ये 42,000 का माइनॉरिटी वोट कहीं से हम लोग मेकअप नहीं कर पाए। मेकअप करते 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 27,000 में आके। तो ऐसा बात नहीं है कि दिलीपदा के लोग काम नहीं किए, कि सैबोटाज किए, कि पुराने लोग काम नहीं किए, ऐसा बात नहीं है। टीम उतरे थे, खामियत तो है, खामियत नहीं थे तो हम जीत जाते। और हम लोग 100% श्योर थे कि हम लोग जीतेंगे। लेकिन ये बात बोलना चाहते हैं कि मेदिनीपुर के लोग एक अच्छे सांसद को खो दिए, ये जरूर बोलेंगे। अभी हम लोग अगर अखिलेश से अलग से मिले, उसके बाद वो जाके उद्धव ठाकरे से भी अलग से मिले, इसे कैसे देखते हैं? देखिए आज जो नेशनल पार्टी कांग्रेस 100 को 100 नंबर को अतिक्रम नहीं कर पा रहे, वो सरकार बनाने का सपना कैसे देख सकते हैं? और सरकार तो माननीय प्रधानमंत्री बना रहे, 9 तारीख को हम लोग बना रहे, आज माननीय प्रधानमंत्री जाएंगे। तो हम लोग को ये खुशी है, हम लोग बंगाल से, देखिए जितना हम लोग का उम्मीद था उतना रिजल्ट नहीं मिला है, उतना सीट नहीं मिला है, लेकिन परसेंटेज ऑफ वोट इंक्रीज हुआ है। तो ये तो अच्छी बात है कि परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। और बहुत सारे सीट हम लोग बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। और जो हम लोग का वादा था माननीय प्रधानमंत्री जी को कि हम लोग जीत कर उनको तृतीय बार थर्ड टाइम प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये सपना हमारा 140 करोड़ देशवासी का पूरा होने जा रहा है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। बंगाल में जो डिक्रीज हुए हैं नंबर बीजेपी के, उसके लिए मुख्य वजह आप क्या मानते? देखिए बहुत सारे कारण हैं, लेकिन लक्ष्मी भंडार कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि आज संदेश खाली का जो घटना, हो सकता है संदेश खाली हम लोग हारे हैं, लेकिन संदेश खाली में महिला लोग के ऊपर जो आक्रमण हुआ, जो असम्मान हुआ, जो ये पूरा 13 साल में टीएमसी का जो मनोभाव है, जो भी महिला का अत्याचार होता है, जिस तरह से व्यवहार किया जाता है, और कोई नौकरी नहीं, कोई कर्म संस्थान नहीं, और हर जगह में दुर्नीति, ये तो बहुत बड़ी मुद्दा है ही। लेकिन हमारे भी ऑर्गेनाइजेशन
कार्यकर्ता का जो हम बोले कि गांव-गांव तक लोगों तक पहुंचाना, अभी भी गांव में मुझे लगता है कि केंद्र सरकार मोदी जी जो आपको घर दे रहे हैं, मोदी जी आपको पानी दे रहे हैं, मोदी जी आपको शौचालय दे रहे हैं, मोदी जी आपको राशन दे रहे हैं, ये बात अभी तक गांव के लोगों को, बंगाल के गांव के लोगों को अभी तक मालूम नहीं है और वो हमारा फेल्यूअर है, हम नहीं पहुंच पाए। मुझे तो ये कारण लगता है संगठनिक भी हम लोग को और एग्रेसिव होना है। आगे में 26 में अगर अच्छा रिजल्ट करना है और सरकार बनाना है तो हम लोग को ये सारी जो खामियां थे वो देखकर एकदम नया जोश से आगे जाना है।